मालिक सारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं। चलो ठीक है, ये तुम्हारे पैसे और 3 दिन बाद आ जाना। जी मालिक, चलो ठीक है। आओ बच्चों, तो मैं तुम्हारा नाने का घर छोड़ के आती हूँ, फिर मैं काम पे जाऊंगी। शुभाना, मुझे कुछ पैसे देती जाओ, मेरा सामान खत्म हो गया, मेरा सामान लेना। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तुम्हारे लिए, अपने इन फजूल जरूरियात के लिए खुद कमा के खाओ। नानी, सामान लगाती है। चलो बच्चों। नाना, अम्मी हमें हमेशा भूखा छोड़ कर चली जाती है। और आपको पता है, अम्मी ने आज अबू को पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मारा था अम्मी को। बस बेटा, ये तुम्हारी मम्मा की गलती है। मैंने कई बार समझाया, इस नशे से शादी न करो, उसने मेरी एक ही नहीं सुनी। शादी ने पैसे नहीं दिए, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। पता नहीं बीवी ने पैसे कहाँ छुपा रखे, मिले ही नहीं। मालिक, मैंने घर के सारे काम कर दिए और आपके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रख दिए हैं। चलो ये लो तुम्हारे पैसे। शुक्रिया मालिक। अच्छा तुम इतना काम करती हो, तुम्हारे शोहर क्या करता है? घर का गुजारा तो हो जाता होगा ना? कहाँ मालिक, मेरे शोहर नशा करता है, वो तो कोई काम भी नहीं करते। मैं जो भी काम करती हूँ, पैसे जमा करती हूँ, अपने बच्चों के लिए घर का इंतजाम करने का सोच रही हूँ। उस नशे के साथ मुझे नहीं रहना, पैसे इकट्ठे करके बच्चों के लिए घर लेकर बच्चों के नाम करवाना है। हाँ ये अच्छी सोच है तुम्हारी, चलो बच्चों का मुस्तकबिल आसान होगा। जी अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आज बच्चों को अब्बा के घर ही रहने देती हूँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। पता नहीं ये नशे ही कहाँ चला गया घर को अकेला छोड़कर।
जरूर अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारगी कर रहा होगा। जुमेरात बड़ी मुराद है बच्चा, जुमेरात बड़ी मुराद है बच्चा, रात दे दो। अच्छे भले तो हो, खुद मेहनत करके कमाओ। तुम गुस्ताखी कर रही हो और इसका तुम्हें अजाला करना पड़ेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। और वैसे तुमसे खुद तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा, मुझे क्या नुकसान पहुँचाओगे? सोच लो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको मैं डबल कर सकता हूँ, और अगर तुमने कुछ ना दिया तो तुम्हारा सब कुछ फना हो जाएगा। क्या डबल भी हो सकते हैं? हाँ, तुमने ठीक सुना, सब कुछ डबल हो सकता है। अच्छा आप इधर रुको, मैं अभी आती हूँ। इस बाबा से सारे पैसे डबल करवा के उस नशेई के आने से पहले पहले सारे पैसे लेकर चली जाऊंगी और फिर बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगी। आप अंदर क्यों आए? मैंने तो आपको बाहर खड़ा रहने के लिए बोला था। मैं बाहर खड़ा रहूं या अंदर आऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जल्दी से पैसा यहाँ रखो ताकि मैं इसको डबल कर सकूँ। जी जी बाबा जी, ये है सारा पैसा। बैठो। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते जाना, आंखें बंद करो अपनी। अब मंदिर के दौरान बोलना नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लो, वरना मंत्र गलत भी हो सकता है। ओम स्वाहा अंतर मंत्र काली कलंतर इगली पिगली शिगली मिगली गिगली शू। अब सारी जिंदगी खोल के पीऊंगा। ये क्या, मेरे पैसे? ये मैंने क्या कर दिया? चलो बच्चों, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं अम्मी, हमने आपके साथ नहीं आना। अम्मी आप हमें कहाँ टाइम दे सकती हैं? हम आप और अबू से बहुत तंग आ गए हैं। शबाना, 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 शबाना।